Once again, good afternoon, students. Actually, we were discussing about the 5 number experiment of our laboratory, जिसके अंदर हमारे दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट थे. पहले हमारे को डीसी मोटर की स्टडी करनी थी. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम कर चुके हैं इस पार्ट को पार्ट वन में. फिर हमने पार्ट टू के अंदर डीसी मोटर के स्टार्टर को भी पढ़ लिया, ठीक है ना. आज हम लोग हमारे लैब में जो सेटअप है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. ऑल्दो इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट वी हैव टू स्टडी ओनली, देर इज नो एक्सपेरिमेंटल पार्ट इज मेंशन, बट इन ऑर्डर टू एनहांस अवर नॉलेज सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज प्रिपेयर्ड, और वहां पर हम कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना. तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग. आगे बढ़े उससे पहले मैंने इन दोनों चीजों को एक स्लाइड के अंदर सम अप करने की कोशिश की है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना. ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू डीसी शंट मोटर, ठीक है ना. बेसिक ऑपरेशनल वोल्टेज इक्वेशन मैं फिर से बता दूंगा, स्टार्टिंग में आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताई दिया मैंने, और फिर हम बात करेंगे लेबोरेटरी सेटअप की, ठीक है ना. तो डीसी शंट मोटर का जो सर्किट डायग्राम है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आप कह दीजिए, वो कुछ इस तरह से रहता है. दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज, टोटल करंट, आर्मेचर और आपका फील्ड. आर्मेचर में जो करंट जा रही है आई ए, फील्ड में जो करंट जा रही है आई एस एच. यू कैन ऑल्सो डेजिग्नेट दिस करंट एज आई एफ. ओके, आर ए इज आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर एस एच इज फील्ड रेजिस्टेंस. यू कैन ऑल्सो से इट एज आर एफ. ओके, टोटल करंट एज पर के सी एल इज सम ऑफ आर्मेचर करंट एंड शंट करंट. आई एस एच अगर आप निकालना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए दोनों ही वाइंडिंग पैरेलल में है, तो ये जो वोल्टेज है वो दोनों के अक्रॉस लग रहा है, ठीक है ना. अगर आपको दोनों का रेजिस्टेंस पता है, दोनों का वोल्टेज पता है, तो आप लोग करंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना. ये आपके ऑपरेशनल वोल्टेज इक्वेशन, टोटल वोल्टेज एज पर केवीएल अगर आप लगाए तो ईबी, ये ईबी इसके अक्रॉस है आर्मेचर के अक्रॉस, और ये जो है ना इसी के अक्रॉस आपका ड्रॉप आई आ रही, ठीक है ना. जब आपकी मोटर रेस्ट के अंदर है, कोई स्पीड नहीं है, उस केस में आपका ये ईबी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना. और जब ईबी जीरो हो जाता है तो इनिशियली बहुत तेज मतलब हाई करंट फ्लो होती है, दैट कैन डैमेज द मोटर, राइट. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस वी मेक यूज ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर. और स्टार्टर के अंदर आप कितने कोई भी स्टार्टर आप काम में ले लीजिए, 3.4 पॉइंट या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कंट्रोल वाला स्टार्टर काम ले लीजिए, सबके अंदर रेजिस्टेंस इंसर्ट करते हैं हम सीरीज के अंदर आर्मेचर सर्किट में, ठीक है ना. देखिए ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप का डायग्राम है. हमारा ऑब्जेक्ट क्या है पहले वो समझिए. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फील्ड करंट, ठीक, पहला टारगेट. दूसरा है कैलकुलेट द बैक ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड इन द आर्मेचर. जनरेटर की बजाय हमारे को इंड्यूस लिखना चाहिए, ठीक है ना. वो आर्मेचर में हमारे को ईबी निकालना है बेसिकली, ठीक है ना. इस डायग्राम को पहले आप समझिए. ठीक है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज है. यहाँ पर हम 50 वोल्ट की डीसी सप्लाई लगाएंगे, राइट. क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारी मोटर की रेटिंग 50 वोल्ट तक की है ना. अब ये जो सप्लाई है उसके वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमने एक डीसी वोल्टमीटर लगा रखा है, पीएमएमसी, दैट इज परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना. ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपने देख रखे हैं ये सब पीएमएमसी हैं. पीएमएमसी मींस परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स. दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर द डीसी क्वांटिटीज, राइट. ये जो एमीटर है ये आपकी सप्लाई करंट आई को मेजर करेगा, टोटल करंट, राइट. और एक एमीटर हमने आर्मेचर सर्किट के अंदर लगा रखा है, ये आपका आर्मेचर करंट को मेजर करेगा. हमने फील्ड में कोई एमीटर नहीं लगा रखा है, ठीक है ना. तो इसलिए डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फील्ड करंट कहा गया है. तो इस फील्ड करंट को हम आसानी से निकाल सकते हैं. अगर आपको टोटल करंट मालूम है और ये करंट मालूम है तो आप केसीएल लगा करके आसानी से वो फील्ड करंट निकालेंगे, ठीक है ना. दूसरा हमारा काम है कैलकुलेट द बैक ईएमएफ जनरेटेड इन द आर्मेचर. मैंने आपको एक वोल्टेज की इक्वेशन बताई थी, टोटल वोल्टेज वी इज इक्वल टू एबी प्लस आई आर ए, ठीक है ना. तो अगर आपके पास आर ए अगर आप मेजर कर लेते हो तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना. अब ये सर्किट कैसे काम करता है उसको आगे और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना. उससे पहले अगर आप लैब में जाएंगे, या कुछ लोग गए भी हैं या कोई वीडियो भी देखा है, तो हमारी लैब का कुछ सेटअप इस तरह से है, ठीक है ना. ये बेसिकली एक मल्टीपर्पज लैब है, मोटर है. यहाँ पर ये मोटर मतलब बेसिकली इसका जो अंदर की जो आत्मा है वो दिखाई हुई है ना. तो यहाँ पर ये जो आपके चार सर्किट दिख रहे हैं पोल्स टाइप में, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है ना. आर्मेचर आपके इसके अंदर है, आर्मेचर वाइंडिंग इसके अंदर है ना. और यहाँ पर बहुत सारे टर्मिनल्स हैं. अभी फॉर अ टाइम बीइंग आप केवल एफ और डबल एफ पे फोकस करें. ये बेसिकली फील्ड के टर्मिनल्स हैं. यहाँ पर एक्चुअली फील्ड के चार वाइंडिंग्स हैं. ये देखिए आप, नंबर वन एफ एफ, नंबर टू एफ डबल एफ, नंबर थ्री एफ डबल एफ एंड नंबर फोर एफ डबल एफ, ठीक है ना. तो यहाँ सर आप देखें कि चारों ही वाइंडिंग को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है.
ये डबल एफ वाला सीधा एफ में गया, फिर इसका एफ वाला नेक्स्ट में गया, नेक्स्ट वाला इसमें गया, एंड फाइनली दिस फर्स्ट टर्मिनल एंड लास्ट टर्मिनल, ये आपके एस पर सर्किट डायग्राम आप देखें, एक एमिटर में जा रहा है और एक आपका कॉमन है। इसलिए यहाँ पर आपका ये जो लिखा है ना एफ सेट 4 एफ सेट 1, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस, दिस इज एफ टर्मिनल ऑफ फर्स्ट वाइंडिंग, तो सेट 1 का ही है। ऐसे चार सेट है आपके पास, है ना, और ये जो एफ है ये लास्ट वाले सेगमेंट का एफ है, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को आपको समझना जरूरी है ना। आगे चलते हैं अपन। अब इसके लिए आपको दो जो टारगेट है, फील्ड करंट और बैक ईएमएफ, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेजर करना है अप्लाई वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज कैसे मेजर होगा, यहां से हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको लाइन करंट मेजर करनी है, लाइन करंट आपको ये एमीटर दे देगा, एंड देन आर्मेचर करंट, तो आर्मेचर करंट में आपने ऑलरेडी एक एमीटर लगा रखा है तो ये आपको आर्मेचर करंट दे देगा, राइट। मेजर द आर्मेचर रेजिस्टेंस यूजिंग मल्टीमीटर, आर्मेचर के अक्रॉस आप एक मल्टीमीटर लगा देंगे तो आपको वो आर्मेचर का रेजिस्टेंस दे देगा, ये बहुत ही कम होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। और ये जो टारगेट है ये ऐसे लिखा है हमने, कोई जरूर नहीं इस बात, इस एक्सपेरिमेंट से इसका कोई नाता नहीं है ना, ये आप जस्ट एक टैकोमीटर को हम कैसे यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू मेजर द स्पीड ऑफ मोटर, ये जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, एक मिनट का वीडियो है मात्र, ताकि आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो लेट अस हैव अ लुक टू दिस प्रैक्टिकल व्यू। सो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, स्टडी एंड यूज ऑफ डीसी शंट मोटर, है ना। ये आपका पैनल है जहां पे आपकी सप्लाई है, यहां पर हमने सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एक सीरीज में है ना, हमने एक डबल रियोस्टेट लगा रखा है, ठीक है ना। यहां पर हम ड्रॉप करवाएंगे ये वोल्ट मीटर सप्लाई के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए, ये सप्लाई करंट मेजर करने के लिए अमीटर, ठीक है ना। ये आर्मेचर में हमने एक अमीटर लगा रखा है जो आर्मेचर करंट को रीड करेगा, ठीक। ये डीसी शंट मशीन है, इसके अंदर फील्ड की वाइंडिंग है, ये आपका आर्मेचर है, आप रोटेट करके देख लीजिए, ठीक है ना। ये कार्बन ब्रशेस है, ये आर्मेचर के दो टर्मिनल है, है ना, ए एंड ए डबल ए, और लास्ट में स्टार्टिंग में हमने ना एक्चुअली यहाँ पर स्टार्टर ना यूज लेकर के हमने रियोस्टेट काम में लिया है, ठीक है ना, टू लिमिट दी, धीरे धीरे इसको हम बाईपास करेंगे, ठीक है ना। सो आई थिंक स्टूडेंट कुछ प्रैक्टिकल व्यू आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए कि ये जो सर्किट डायग्राम है ना, यहाँ पर जो सप्लाई के अक्रॉस एक डबल रियोस्टेट आपको दिखाया है, ये इट इज नथिंग बट योर एक्चुअली डिमर है, D1 D2 डिमर होते हैं, पहले ये पुराने टाइम में लगे थे, अभी हमने एक डबल रियोस्टेट लगा दिया है, क्योंकि सप्लाई आपके पास जो पैनल पे आ रही है वो 220 वोल्ट की है DC, बट हमारी मोटर की रेटिंग 50 वोल्ट की है, तो वो ड्रॉप हमने यहाँ पर उसके सीरीज में लगा करके हमने करवाया है, ठीक है ना। सिमिलरली आपको पता है कि इनिशियली EB 0 होता है, तो हम मोटर को ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो आपको स्टार्टर की जरूरत पड़ती है, बट क्योंकि यहाँ पर स्टार्टर भी कई दिनों से खराब था, तो हमने एक सीरीज में एक रियोस्टेट, मैंने आपको फर्स्ट वाले में बताया था कि हम वेरिएबल रियोस्टेट यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है ना। सो इन दिस वे आपको चीजें समझ में आ गई है, अब मैंने लिख दिया है चीजें, आप देखिए, इन प्लेस ऑफ D1 and D2 आर बेसिकली डिमर्स विच आर बेसिकली यूज टू कंट्रोल द सप्लाई वोल्टेज, वी आर यूजिंग डबल रियोस्टेट इन सीरीज विद द सप्लाई टू रिड्यूस द वोल्टेज। ये आपने वीडियो में देखा होगा, डबल रियोस्टेट हमने लगा रखा था, आपको 50 वोल्ट तक रिड्यूस करना है। इन प्लेस ऑफ स्टार्टर वी हैव यूज द रियोस्टेट इन सीरीज विद द आर्मेचर दैट विल बी ग्रेजुअली कट आउट। सो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब इनको कैसे निकालेंगे, इसके लिए दो फॉर्मूले आपके पास हैं, वो ये इस तरह से हैं। देखिए, आप लाइन करंट के लिए एमीटर लगा हुआ है, आर्मेचर करंट के लिए एमीटर लगा हुआ है, तो आपकी जो फील्ड करंट है ना, वो निकल जाएगी I-IA करके, ठीक है ना। सिमिलरली आपका जो EB है, सप्लाई वोल्टेज के लिए आपने वोल्टमीटर लगा रखा है, IA आपका अमीटर दे देगा, और ये RA आप मल्टीमीटर से मेजर कर लेंगे, एंड देन यू विल बी गेटिंग योर बैक EMF विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज EB इज इक्वल टू V-IA RA। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, ये तीन लेक्चर की जो हमारी सीरीज थी, फर्स्ट में हमने DC मोटर की कंप्लीट उसकी वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन और उसकी थ्योरी पूरी पढ़ ली, किस तरह से वोल्टेज डेवलप होती है। सेकेंड पार्ट के अंदर आप लोगों ने जो है ना उसकी स्टार्टिंग को समझा, और किस तरह से बैक EMF का रोल है उसको समझा, और फाइनली हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके और इसकी कंप्लीट वर्किंग को समझ लिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, सो बी कनेक्टेड विद मी सच
knowledgeable videos. Thanks.